नमस्कार, आप देख रहे इकोनॉमी का हिसाब किताब। मैं हूं आनंदियो चक्रवर्ती। पिछले 3 दशकों से जो निजीकरण का प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी आज हम पोल खोलने वाले, प्राइवेटाइजेशन का प्रचार उसकी आज हम पोल खोलने वाले। तो प्राइवेटाइजेशन जब हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि ये पॉलिसी पिछले 3 दशकों से हमारे देश में लागू की जा रही है। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे आइडिया क्या है। ठीक है, पहला है कि पब्लिक सेक्टर जो होता है, मानी कि सरकारी कंपनियां, ये इनएफिशिएंट होते हैं, ये काम नहीं करते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को चांस देना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब किसी को नौकरी मिलती है, उसको सैलरी मिलने वाली है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए प्रॉफिट मोटिव यानी मुनाफा जहाँ पे हो रहा है वही आदमी ज़्यादा काम करता है, वही पे आदमी ज़्यादा अपना कुशलता दिखाता है, ज़्यादा पैदावार करता है, आउटपुट बढ़ाता है, ज़्यादा मेहनत करता है, उससे दाम भी कम होते हैं और सबका विकास होता है, इसलिए प्रॉफिट मोटिव को सर्वोपरि माना गया। साथ में कहा गया कि अगर अमीरों पर जो टैक्स लिया जाता है उसको घटा दिया जाए तो क्या होगा, इससे बिजनेस का जो माहौल बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल बनेगा, क्योंकि कम टैक्स आप लेंगे तो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई चीज़ उत्पादन करना चाहेंगे, कंपनी खोलना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे। और एक और चीज़ कहा जाता है इसके साथ साथ कि अगर जो अमीर है वो और भी अमीर हुए तो क्या होगा, वो अपना खर्चा बढ़ाएंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे, सेवाओं पर खर्चा करेंगे, और इनका जो मांग जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सबको फायदा होगा, पूरे देश का उससे विकास होगा। ये 30 साल से हमें बताया जा रहा है। और 30 साल से क्या हुआ है, हमारे देश में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी चल रहा है, राव मनमोहन के टाइम से, 1991 से चल रहा है। और इसमें क्या हुआ है कि सरकार इकोनॉमी से पीछे हट गई है, सरकारी कंपनियां बंद कर दी गई है या वहां पर कॉम्पिटिशन खोल दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे फायदे दिए गए हैं, सब्सिडी दिया गया है, टैक्स कट दिया गया है, जैसे कि आईटी हो, फार्मा हो, ऑयल एंड गैस हो, कहीं पे ऑटो सेक्टर, सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला है। उनको कहा गया कि आप लोग उत्पादन कीजिए, आपको हम सपोर्ट करेंगे सरकार। रेगुलेशन को कम कर दिया गया है। रेगुलेशन का मतलब है कि कहीं पे अगर बताया गया है कि देखिए आपको इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते, या एक बहुत बड़ी कंपनी 4-4 सेक्टर में काम नहीं कर सकती, या आप इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते ताकि कंपटीशन बना रहे, तो इसको घटा दिया गया, रेगुलेशन कम कर दिया गया। कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट पर जो टैक्स होता है, बिजनेस पर टैक्स होता है, वो कम कर दिया गया। आप तो जानते हैं मोदी सरकार ने 2019 में बहुत ज़्यादा काट दिया है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स अब इनकम टैक्स से भी नीचे चला गया है। पीक इनकम टैक्स यानी कि अमीरों पर एक टाइम पे अगर उनकी आय बहुत ज़्यादा होती थी, आमदनी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो इनकम टैक्स हाईएस्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा होता था, उसको अब कम कर दिया गया है। और इससे कहा गया कि पूरे देश का फायदा होगा। ठीक है, ये प्रचार है, लेकिन क्या हमारे देश का आम नागरिक अमीर हो गया है इस इन जब 30 साल के उससे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं हुआ है। मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ जिससे आपको साफ होगा कि अमीर गरीब में जो फर्क है वो बड़ा है। और इसमें हम क्या करेंगे, इस चार्ट में जो सबसे नीचे के 1% है उनका सबसे ऊपर के 1% है और उनका कंपेयर करेंगे, जो बॉटम के नीचे के 50% है, आधे हमारे देश के जो लोग हैं उनका कंपेयर करेंगे कि कुल नेशनल इनकम में, देश के कुल आय में उनका शेयर कितना है, किसको कितना मिल रहा है। और आप देखिए कि 1951 से 1981 तक, ठीक है, देश की आज़ादी से लेकर 1981 तक, इसको आप नेहरू विन सोशलिज्म का पीरियड कह सकते हैं, इसमें जो लाल लाइन है यानी जो बॉटम के 50% है उनका भाग थोड़ा बहुत बढ़ा था, और जो टॉप के 1% है उनका भाग नेशनल इनकम में घटा था, काफ़ी तेज़ी से घटा था 1981 तक। ठीक है, और उसके बाद 1981 से 1991 का जो दशक है, जहाँ पे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का टाइम है, जो पहला लिबरलाइजेशन का पीरियड आप कह सकते हैं, वहाँ पे जो सबसे ऊपर के 1% है उनका आय लगभग वैसा का वैसा ही था, शेयर थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, और जो बॉटम के 50 थे उनका भी लगभग उतना ही था, थोड़ा बहुत घट रहा था। 1991 में आके जब राव मनमोहन रिफॉर्म हुए, आप देखिए क्या हुआ, लाल लाइन नीचे के नीचे जा रहा है और नीला लाइन ऊपर के ऊपर जा रहा है, यानी कि टॉप 1% का भाग पूरे नेशनल इनकम में शेयर धड़ाधड़ ऊपर गया है, बहुत तेजी से ऊपर गया है,
और बॉटम 50% का धड़ाधड़ गिरा है, यानी इनइक्वालिटी बढ़ी है, हमारी अमीर गरीब में फासला बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर अमीर और भी अमीर हुए लेकिन उसके साथ साथ अगर इन जो प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी है उससे गरीब, थोड़ा सा गरीबी उनकी कम हो गई, वो भी थोड़े संपन्न हुए, तो वो अच्छी बात है ना। तो इस अब हम क्या कर रहे हैं, यही वर्ल्ड इनकम डेटा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस जहाँ से सारे चार्ट है, उन्हीं का मैं एक और चार्ट आपके सामने पेश करता हूँ। अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति जो सबसे नीचे के 50% है इनकी आय कितनी बढ़ी है 1951 से लेकर 2021 तक। आप देख रहे हैं ये लाइन बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम कह सकते कि 1991 के बाद ये जो रेड लाइन है इनका ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए, इनकी आय का रेट ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, अमीर बहुत अमीर हो जाते हैं लेकिन गरीब भी और ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास भी पैसा जाता है। तो 1951 से 1991 40 साल का एवरेज अगर हम ले, हर साल का एवरेज इनकम ग्रोथ 2.2%, सिर्फ बॉटम 50% जो हैं उनका 2.2% के रेट से बढ़ा है। इसमें हमने महंगाई दर हटा दिया तो ये रियल इनकम है, असल जो इनका इनकम है 2.2% से। 1991 के बाद क्या हुआ, 1991 से 2021 30 साल में एवरेज ग्रोथ कितना है 2.3%, मतलब बिल्कुल वैसा क्या ही वैसा का वैसा ही है, 2.3% के रेट से बढ़ रहा है। यानी अगर 1991 नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी रेट से बढ़ता जा रहा है, बॉटम 50% का रियल इनकम असल इनकम उसी रेट से बढ़ा है पिछले 70 सालों में एवरेज। 1991 का जो रिफॉर्म है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है ये सबसे गरीब जो 50% है, लेकिन अमीरों का देखते क्या हुआ है, सबसे जो अमीर है उनका क्या हुआ है। आप देखिए कि 1951 से 1991 40 सालों में इनका रियल इनकम ग्रोथ 1.8% था, 1991 से 2021 पे जाते जाते ये 6.4% हो गया, इस तेजी से बढ़ा है। अब दोनों को एक चार्ट में अगर हम डाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फर्क कितना ज़्यादा है, ये दोनों को एक चार्ट में डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है आप देखें किस तरीके से जो सबसे अमीर है उनका धड़ाधड़ गिर रहा है, बढ़ रहा है, और जो सबसे बॉटम के 50% है ये ब्लू लाइन देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, उनका वैसा का वैसा है, जबकि जो सबसे अमीर है 1991 से टॉप 1% उनका तेजी से बढ़ा है। तो कुछ लोग कहते हैं देखिए इसका कारण ये है कि असल में हमारे देश में रिफॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन नहीं हुआ है, प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ है, हाँ किस बात है, अभी भी सोशलिज्म ही चल रहा है हमें बताया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम यूएसए का देख लेते, वहाँ पे तो सोशलिज्म नहीं है ना, असल ट्रिकल डाउन थ्योरी का जो घर है जिसको आप कह सकते हैं जहाँ से ये सब कुछ आया है कि अमीर अमीर ज़्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत अमीरों का जो पैसा है वो गरीबों तक ट्रिकल करके नीचे बरसते हुए जाएगा और वो भी ऊपर आएंगे, इसका क्या हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल है, और दूसरा थ्योरी आप देखेंगे उसका सक्सेस कितना है। आप देखिए कि मैं 19 आपको सीधा दिखा रहा हूँ इस वक्त 1921 से 2021 100 सालों का अमीर गरीब में फ़र्क, और ये आप देखेंगे ब्लू लाइन अमीर टॉप 1%, रेड लाइन बॉटम 50%। इसमें आप देखिए कि 1940s के बाद 45 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब अमरीकी सरकार ने बहुत खर्च किया, सरकारी खर्च से बहुत सारा इकोनॉमिक बूम हुआ उस अमेरिका में, और इसको आप देख सकते हैं इसके चलते क्या हुआ है कि जो सबसे बॉटम के 50% है उनका आय लगातार बढ़ा है, जो टॉप 1% है जो बहुत अमीर थे 1940s में उनका शेयर घटा है, ठीक है उनका शेयर घटा है। तो 1980 में आके रोनल्ड रेगन प्रेसिडेंट बने और इसको रेगनॉमिक्स कहा जाता है कि उनके जो पॉलिसी है बिल्कुल जो आज हमारे देश में लागू है कि प्राइवेटाइजेशन हो, रेगुलेशन कम करो, टैक्स कट कर दो अमीरों का, वो लागू हुआ, और आप देखिए किस तरीके से बॉटम 50% धड़ाम से गिरे हैं और टॉप 1% किस तरीके से ऊपर गया। ये साफ है कि निजीकरण की जो पॉलिसियां हैं वो अमेरिका में भी
काम नहीं करती है, क्योंकि सिर्फ अमीर अमीर होते हैं और गरीब गरीब के गरीब रह जाते हैं। यही है निजीकरण का पोल खोल दोस्तों। निजीकरण की पोल हमने इसी तरीके से खोली है कि गरीब गरीब रहता है, उनके रियल इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइवेटाइजेशन से, जो अमीर है वो अमीर के अमीर हो जाते हैं। तो जब आप जीडीपी ग्रोथ वगैरह देखते हैं, याद रखिए निजीकरण का, याद रखिएगा उस विकास से 99% लोगों का कोई फायदा नहीं है, 10% का भी हो जाए 90% का कोई फायदा नहीं है। आज का शो यहीं तक, न्यूज़ क्लिक देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। You